वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ते जेड़े गुरु नानक साहब ने अपनी जिंदगी दे विच गुरु नानक साहब नाल जेड़ा लंगर दा कंसेप्ट है एक गुरुद्वारा सच्चा सौदा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री खूह साहब अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल इसी स्थान में गुजारे। ये इनकी कब्र भी है और एक समाधि भी है जो सिखों के लिए एक मुकद्दस मकाम। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे के यहाँ पर इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया था। ये गुरुद्वारा है करतार। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। I don't know why you left me bleeding with a broken heart. Tell me if I deserve this feeling. You know that we had something special till you end up all this way. So guys, we are going to Kartarpur. Dogs World Official. Vlogs Barlu Fishing. This is Mohammed Hamid Hemi. Let's our journey begin. Guys, we are going towards Kartarpur from the Horde. This is the Horde Kent area. इस वक्त DHA भट्टा चौक की तरफ है और यहाँ से हम आज करेंगे अपना पहला ब्रेकफास्ट इस वीडियो का। हम यहाँ जी नाश्ता करके रुके हैं, यहाँ से नाश्ता करके फिर आगे लेट्स गो मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं। स्ट्रीट जोन ले जी, अब हम नाश्ता कर लें और फिर हम सौ रुपये रवाना होते हैं। ठीक है तो बहन भाइयों, नाश्ता हमने कर लिया है और हम भट्टा चौक से अपने सफर का दोबारा से आगाज कर दिया है।
को देखा था, हमें काफ़ी मज़ा आया। हम इस वक्त लाहौर रिंग रोड पर आ चुके हैं और बकायदा सफर का आगाज हो गया। हम इस वक्त नौर सियालकोट मोटरवे पर आ गए हैं। नारंग मंडी मोड़ से हम नारोवाल, मोड़ से हम नारोवाल की तरफ जाएंगे।
से हमने अभी भी चाय पी है, बड़ी ज़बरदस्त चाय थी। तो नारंग मोड से हम नारंग मंडी से नारोबाद की तरफ मुड़ चुके हैं, तो ये रास्ता सीधा नारोबाद की तरफ जाता है। पानी के नारोवाल सिटी में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से हम कुछ शॉपिंग लेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। इधर अब टाइम नहीं आ रही किसी जमाने में, इधर गुजरा करती हो गई है।
नारोवाल सिटी से निकल चुके हैं और करतारपुर की तरफ जा रहे हैं। करतारपुर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा पाए तो बहुत सामने करतारपुर रहा। उसी तरफ हम जा रहे हैं। कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन मौसम हमें बहुत अच्छा मिला है। रास्ता बहुत खूबसूरत है। अभी आपको बोर्ड नजर आएगा वहां से हमें 2 किलोमीटर के बाद राइट टर्न करेंगे तो सीधा करतारपुर जाएंगे। दोबारा
आपने राइट टर्न लेना है, सीधा सामने शकरगंज चला जाता है, हमें इस तरह से मूव करना है। तो अभी अभी हमने एक चेक पोस्ट क्लियर करवाई है, तो अभी ये रोड सीधा हमें करतारपुर ले जाएगा। ये हमने दूसरी चेक पोस्ट क्लियर करी है और अब तीसरी चेक पोस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। फुल सिक्योरिटी रखी हुई है पाकिस्तान वालों ने, नहीं चेक पोस्ट नहीं कवर कर सकते। अब हमें तीसरी चेक पोस्ट क्लियर करवाई है और अब ये चौथी चेक पोस्ट आ रही है, करतारपुर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही शकरगंज सेक्टर से आप मुड़ेंगे करतारपुर की तरफ, तो ये आपको चार चेक पोस्ट है। सो दिस इज़ वी लॉग वर्ल्ड ऑफिशियल, हम करतारपुर पार्किंग एरिया में आ चुके हैं। हाँ जी यार, गल तो इधर आ, एक मिनट बार भी फर्क लो जिथे जाओगे तो आर्मी की फ्री है, आर्मी का खाता है। वीडियो ही बताइए जी, यहाँ से टिकट लेनी है आपने करतारपुर के लिए? आईडी कार्ड है ना? हाँ हाँ, मेरे को सारा कुछ है, मेरा कार्ड। इसके लिए भी लोगों को सो आपने टिकट लेके चेक पोस्ट क्लियर करके आपने आना है और यहाँ पर आके आपको शटल सर्विस मिलेगी। शटल सर्विस में आप बैठेंगे तो आपको गुरुद्वारा की तरफ ले जाएंगे। गाइस हमारा सफ़र शुरू हो चुका हुआ है, शटल सर्विस में बैठ चुके हैं और गुरुद्वारे की तरफ हम जा रहे हैं। सो गाइस अभी अभी हमने एंट्रेंस क्लियर की है,
आपको अपना आईडी कार्ड, अपनी टिकट दिखानी है और आपको इस तरह का एक विजिटर कार्ड इशू हो जाएगा। और विजिटर कार्ड आपने गले में पहन के फिरना है। इंडिया से सरदार साहब आए हुए हैं। सो यही चलो चलो हम भी आ रहे हैं आपके पीछे पीछे। जावांगे गयो देखो उधरों दी जान देंगे। कितने ओ उधरों दी नहीं ओ उधर ठीक है बने इतना की तेरे जान देने अगर नहीं जान देने। अच्छा चलो तो जाके पता चल जाएगा। This is Vedo World official. We are here in Kartarpur. This is the Master Plan Gurdwara Complex. I am going to show you complete Master Plan. This is apartment house. आयो। तेरी भी। वहाँ कुछ लिखे नहीं हो? जहाँ पहुँच चल रहा है। Define करो इसके साथ साथ। आ रहा है। आ रहा है पीछे। नहीं बल्कि वो official आ रहा है। इधर जो वीडियो कंटिन्यू रखो वीडियो कंटिन्यू रखो वीडियो कंटिन्यू रखो ये देखो। अबे यार हाथ तो ना लेके आता है कोई बात नहीं है रे। तो हमने मेन एंट्रेंस की है वहाँ से हमने एंट्रेंस की है। ये उसका कॉरिडोर आ गया गुरुद्वारे का। ये गुरुद्वारे का कॉरिडोर है। हमने कॉरिडोर पूरा कंप्लीट करके वहाँ से राइट टर्न करेंगे और सीधा हम गुरुद्वारे में चले जाएंगे। सेंटर में उनका गुरुद्वारा बना हुआ है आप देख सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स गुरुद्वारा। जो ऑफिशियल रूम्स बने हुए हैं जो यहाँ का ऑफिशियल स्टाफ है नीट एंड क्लीन है। आपको यहाँ जूते नहीं पहन सकते। यू डोंट वेयर योर शूज हेयर। यू हैव टू वेयर कैप्स। खान साहब ने वो सामने स्टेज के ऊपर खड़े होकर खिताब किया था इमरान खान साहब ने जब इसका खिताब हुआ था। ये गुरुद्वारा है। खान साहब ने वो सामने स्टेज पर खड़े होकर खिताब किया था। ये कॉरिडोर का हिस्सा है सारे का सारा। ये भी कॉरिडोर है जहां से हम गुरुद्वारे की तरफ जाने लगे हैं। बिल्डिंग बनाई है। हाँ आ जाओ चले फिर। अच्छा किसी पौधे देख के तो फिर भी चलेगी। आजाओ मेन देख की थी ये 360 डिग्री व्यू ले यार आगे चल के चले ले। अच्छा
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लगा फिर चरा जो बोले जो बोरे सो रेहाल साक्षियों को तो बस बाजा है तो बस तक सर 360 सरदार जा रहे हैं जी, सिख भाई उधर बैठे पड़े हैं जी। बेबी बेबी चलाबे नहीं उतारनी थी ना, हमें ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ, मैं ज्यादा क्लोज नहीं जाना चाह रहा था। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है गुरुद्वारे के अंदर। सैयद हबीब और रहमान गिलानी जी चेयरमैन ईडीबीपी बेनती है स्लैब छोड़ लो। आहो तो बस ठीक है। हां पिक्चर तो चुक ले। वो एचवी प्लेट तो भी टका टक पिक्चर आती। दिस इज वी लॉग वर्ल्ड ऑफिशियल। ओ पूरा जूम लेके जाना, पूरा दिखाना उधर। ये ग्राउंड ब्रेकिंग है नवंबर 2018, इनॉग्रेशन सेरेमनी नवंबर 2019। एक मिनट रुक, मैं देता हूँ मोबाइल भाई, ये छोटा सा कंप्लीट कर लूँ, मैं दे रहा हूँ मोबाइल। नहीं, ये इसकी बैक साइड है, ये इसका ग्राउंड है जी गुरुद्वारा नानक साहिब। हम गुरुद्वारे के यहाँ पर इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया था, ये गुरुद्वारा है। श्री खूह साहब कहा जाता है। गुरु नानक साहब का जो लंगर का कंसेप्ट है, एक गुरुद्वारा सच्चा सौदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल इसी स्थान में गुजारे। ये इनकी कब्र भी है और एक समाधि भी है जो सिखों के लिए एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखते हैं।